हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूँ अमित आर्या, आप देख रहे हैं मेरा टेक्निकल चैनल यूट्यूब में। आप सब लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो मैं इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ कि अगर आपके चैनल पे व्यू नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, व्यू कैसे लाएंगे। दोस्तों, ये मेरा जो तरीका है 100% काम करेगा, और मैं जब बताना शुरू करूँगा तो आप लोग खुद सोचो कि हाँ यार, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया इस ट्रिक पे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन अगर जो भी है 2-3 मिनट का वीडियो है, अगर आप देख लेते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपका व्यू बढ़ने लगेगा, और आप खुद सोचोगे कि यार मैंने ये पहले क्यों नहीं कर रहा था। देखिए दोस्तों, पहली तरीका ये है कि आपको हर एक वीडियो के हिसाब से अपने डिस्क्रिप्शन और टैग वाले ऑप्शन में टैग डालने अपने वीडियो के हिसाब से। दोस्तों, ये लोग बहुत कम ही लोग करते हैं। और दूसरा चीज़ ये है दोस्तों कि आप कोई भी वीडियो डालें तो वीडियो के जो मेन थंबनेल रहता है, कि जिसको हम लोग देख के क्लिक करके वीडियो देखते हैं, वो चीज़ बहुत ही 100% बहुत ही मतलब ज़रूरी रहता है। दोस्तों देखिए, कोई भी अगर आप वीडियो देखते हैं तो क्या देखते, मतलब क्या आप लोग मतलब उसको देख के ओपन करते हैं या फिर प्ले करते हैं? आप उसको देखते हैं, उसका थंबनेल देखते हैं दोस्तों, उसका पोस्टर देखते हैं, उसके बाद ही उस वीडियो को आप ओपन करके उसको चलाना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको कोई भी अगर आप वीडियो बनाते हैं तो आपको क्या करना है दोस्तों, कि आप कोई भी एक वीडियो बनाइए, वीडियो बनाने के बाद आपको थंबनेल चूज करना है, आपको पोस्टर डिजाइनिंग करना है बढ़िया से बढ़िया। उसमें देखिए, जितना आप वीडियो में टाइमिंग नहीं देते हैं उतना आप पोस्टर बनाने में टाइमिंग दीजिए, कि आपका जो व्यूअर है दोस्तों उसको देख के मतलब उसके अंदर लगे कि हाँ इसमें कुछ है। और उसका देखिए, आप कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसको आप मतलब जैसे ये करें कि पूरा आप उसमें देखिए दोस्तों, आपको पोस्टर इस तरीके से बनाना है दोस्तों, जैसे कोई भी अगर उस पोस्टर को देखे तो तुरंत उस पर क्लिक करें और आपके उस वीडियो को देखे। देखिए, पोस्टर का मतलब ये होता है ना कि आप कोई भी वीडियो बनाएं और उसका ये नहीं कि पूरा रामायण ही उस पर लिख दे पूरा पोस्टर पे, कि मैंने इस वीडियो में ये बताया है, ये किया है, ये कैसे करें। आपको पूरा चीज़ नहीं लिखना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 ही शब्द लिखने, और 5-6 ही शब्द कुछ ऐसा लिखें कि उसको लगे, कोई भी देखे तो उसको लगे कि हाँ यार इस वीडियो में कुछ तो है, तो उसको वो लोग देख के ओपन करें और आपके वीडियो को पूरा पूरा देखें। और देखिए दोस्तों, क्या करना है, जैसे कि आपको सस्पेंस वाली शब्द लिखना है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको वीडियो में पोस्टर कैसे बनाना है, तो मैं ये थोड़ी मतलब बताऊँगा कि आप अपने वीडियो में पोस्टर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, क्या करें, नहीं, मैं अपने वीडियो पर सिर्फ यही बताऊँगा कि आप अपने चैनल या वीडियो पर व्यू कैसे बढ़ाएंगे, बस यही मैं लिखूँगा, और आपको उसको देखना है और उस पर क्लिक करना है। अगर आपके चैनल पर व्यू नहीं आते हैं दोस्तों तो आपको उस वीडियो को देखना है, क्योंकि आपको तो पता है कि आपको अपने चैनल पे व्यू नहीं आ रहे हैं, वीडियो व्यू नहीं आ रहे हैं, तो उसको क्लिक करना है और आपको समझना है इस वीडियो में कि आप क्या गलती कर रहे हैं। तो आपको कोई भी शब्द लिखे तो उसमें सस्पेंस डाल दे दोस्तों, कि हाँ कि इसमें कुछ है, इस वीडियो में कुछ है और आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप थंबनेल पे कुछ ज़्यादा ही मेहनत करिए, भले आप वीडियो में मेहनत ना करें बनाते समय, लेकिन आपको थंबनेल में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना है। आप कोई ऐसा वीडियो देखते होंगे, पहले तो बहुत ज़्यादा ऐसे आता था पोस्टर कि मतलब कुछ दिखाते थे कुछ और लोग, और उसमें मतलब पोस्टर डिजाइनिंग कुछ और करते थे, और उसका व्यू बहुत ज़्यादा, सब्सक्राइबर भले ही कम रहता था लेकिन उसका व्यू भर भर के आ रहा था दोस्तों, 1-1 मिलियन, 2-2 मिलियन, 50,000, 60,000 ऐसे, और उसको जब भी आप ओपन करते थे उसमें कुछ नहीं रहता था। तो यही बात है दोस्तों, लेकिन आप ओरिजिनल कंटेंट डालिए, लेकिन आप थंबनेल पे कुछ देखिए, आप सही ही बताइए, लेकिन उसमें कुछ ऐसा शब्द ढूंढिए जिसमें सस्पेंस पैदा हो सके, और उस सस्पेंस को आप लिखे कि आपके मतलब वीडियो पे लोग जाके क्लिक कर सकें। तो बस इतना ही इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो में कुछ मैंने सही बताया है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ ये वीडियो सही है या फिर गलत है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगता है, और आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप अपने चैनल पे यानी हमारे चैनल पे आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए दोस्तों, क्योंकि देखिए मैं अपने चैनल पे पोस्टर डिजाइनिंग, डीजे ट्रैक, डीजे बनाना या फिर A to Z में अपने चैनल पे अच्छी अच्छी मैं वीडियो लाता रहता हूँ दोस्तों। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।